कक्षा सार विषय हिंदी मैं सतीश पंडित स्वामी नारायण गुरुकुल कण्भा में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं चित्र कथा एक चित्र के संग संग इसका भाग एक लेकर उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर यहां पे एक चित्र कथा दी गई है और यह जो चित्र कथा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है। उद्देश्य के बिना तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ चित्र कथा एक देने का मुख्य उद्देश्य रहा है विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति खिले। विद्यार्थियों, आप कक्षा 6 में भी चित्र कथा पढ़ गए हो, वहाँ दयालु शिकारी और एक प्यासे कौवे की कहानी आती थी। तो कुछ कहानियाँ चित्रकथा के रूप में कक्षा 6 में आप पढ़ के यहाँ अब कक्षा 7 में आए हो, जहाँ चित्रकथा एक में बहुत ही सुंदर चित्र दिए गए हैं। यह कहानी तो नहीं है लेकिन बाजार का एक दृश्य है। किसका दृश्य है? बाजार का सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित किया गया है। तो विद्यार्थियों, चित्रकथा एक जिसमें बाजार का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि बाजार लगा हुआ है और सुबह का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी चहल पहल आरंभ हुई है और सुबह के इस समय में बाजार में बहुत सी घटनाएं दिखाई दे रही है। आप सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक अवश्य ओपन कीजिएगा और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिसे आप टेक्स्ट बुक भी कहते हैं, उसमें प्रथम चित्रकथा में बहुत ही सुंदर चित्र आपको दिखाई देते हैं। और यह जो चित्र है, चित्र के आधार पर यह कहानी दी गई है। तो वहाँ दिखाई दे रहा है कि गांव का दृश्य हो ऐसा लग रहा है और वहाँ एक साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है। किसकी दुकान दिखाई दे रही है? साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है और साइकिल की दुकान में एक व्यक्ति है जो हवा भर रहा है, पंप से हवा भर रहा है। साइकिल की दुकान में बहुत से ट्यूब और टायर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके एक खंभे में एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखिए, आप गौर से देखिए कि वह पक्षी कौन है। बहुत ही सुंदर पक्षी है, छोटे बच्चों को तो वह पक्षी बहुत प्यारा लगता है। और वह पक्षी और कोई नहीं, तोता है। वह दिखाई दे रहा है, वहाँ एक कुंजड़िन सब्जी बेचने के लिए निकली हुई है, पास से ही गुजर रही है और एक बूट पॉलिश करने वाला मोची जो है वह सड़क के किनारे बैठा हुआ है, ग्राहक की इंतजारी कर रहा है कि कोई ग्राहक आए और उसका कार्य आरंभ हो। और उसके पास में, अर्थात मोची के पास में ही एक कुत्ता है जो सोया हुआ है। अब तुम सोचोगे सुबह का समय है और कुत्ता क्यों सोया हुआ है? विद्यार्थियों, प्रकृति ने कुत्तों को एक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। वह रात में गांव के लोगों की सुरक्षा करने के लिए जागते हैं और सुबह होने पर वह सो जाते हैं, कुछ समय सोते हैं, आराम करते हैं। तो कुत्ता आराम से सोया हुआ है। एक गुब्बारा वाला जो है उसके पास बहुत से गुब्बारे हैं जो हवा में झूल रहे हैं। अब गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे होंगे, जरा सोचिए विद्यार्थियों, क्यों उड़ रहे होंगे? तो उसका कारण यह है कि गुब्बारों में हवा भरी हुई है, इसके लिए वह उड़ रहे हैं। सही बात है ना, हवा भरी हुई है ना? नहीं, हवा नहीं भरी हुई,
गुब्बारों में गैस भरी हुई है और गैस के कारण वह उड़ रहे हैं। पास में ही एक सड़क है, सड़क में कुछ यातायात के साधन जा रहे हैं। यातायात के साधन में सबसे पहले एक मोटरसाइकिल सवार तेज गति से ऑटो रिक्शा की साइड काटता है, उससे आगे निकल जाना चाहता है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा वाला है जिसमें एक ही सवारी दिखाई दे रही है। ऑटो रिक्शा के पीछे एक कार है और कार के पीछे भी कुछ साधन दिखाई दे रहे, एक जीप दिखाई दे रही है। सड़क के उस भाग में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल जो है वह बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और दृश्य दिखाई दे रहा है। वह यह है कि आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत ही शांत दृश्य है। यहाँ सड़क के इसी दिशा में एक दो या तीन मंजिला मकान दिखाई दे रहा है, बहुमंजिला मकान कह सकते हैं, और उसके एक भाग में दो आदमी खड़े होकर के यह दृश्य देख रहे हैं। सुबह का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। तो विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ दिखाई दिया। यहाँ कुछ प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं, हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है? तो विद्यार्थियों, पहले चित्र में जो घटना घट रही है अथवा दिखाई दे रही है, वह मैंने शुरुआत से जो समझाई वही है कि एक साइकिल में साइकिल सवार हवा भर रहा है, कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, मोची ग्राहक इंतजारी कर रहा है, कुत्ता सोया हुआ है, सड़क पर कुछ यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं, सड़क के उस किनारे कुछ पेड़, कुछ भवन, आसमान में बादल और पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सड़क के इसी किनारे एक बहुमंजिला मकान में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार गाँव का बहुत ही सुंदर चित्र जो है उसमें कुछ क्रियाएँ हो रही है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा तब भरी जाती है या जब ट्यूब में हवा कम हो जाए अथवा ट्यूब पंचर हो जाए। जब पंचर हो जाता है ट्यूब, तो उसके बाद उसमें हवा भरी जाती है ताकि वह ठोस बन जाए, कठिन बन जाए, और उसके बाद हम साइकिल चलाए तो साइकिल अच्छी तरह से चल सकती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? क्योंकि वह आराम कर रहा है। रात भर गांव के लोगों की चौकीदारी करने के बाद वह सुबह के समय में आराम कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए। कुंजड़िन सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली। विद्यार्थी, कुंजड़िन शब्द का अर्थ होता है सब्जी बेचने वाली। यह कुंजड़िन शब्द है एक महत्वपूर्ण शब्द। तो कुंजड़िन शब्द का अर्थ विद्यार्थी मैंने क्या बताया? सब्जी बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली, उसे हम कुंजड़िन कहते हैं। वह गली गली मोहल्ले में घर घर जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि अधिक सवारी न मिलने के कारण रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो यह विद्यार्थियों, चित्रकथा एक का भाग एक मैंने प्रस्तुत किया। अब कुछ महत्वपूर्ण बात की जाए कि आप हिंदी लिखने में यदि कुछ गलती करते हो तो उसका सुधार हो सके। तो उसमें आप देखिए कि आप क लिखिए तो पहले लिखी कीजिए, उसके बाद गोल ऐसी निशानी कीजिए तो आपका क एकदम आसान हो जाएगा। देखो, ऐसी लिटी तो दी गई है,
उसके बाद आप यहाँ एक लिटी कीजिए, यहाँ गोल कीजिए। यदि गोल करना आता है तो आप हिंदी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ चिपकाइए मत, यह हो जाएगा क। बराबर, क लिखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है। ख लिखना आसान है, ग लिखने में क्या है? बराबर, कि ग लिखने में आपको यहाँ एक गोल यानी सीधा करना है। सीधा गुजराती में गोल क्या, आप गोल कर देते हो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसी गोल निशानी कीजिए, यहाँ ऐसा कीजिए, बहुत ही सुंदर ग हो जाएगा। तो यहाँ आप इस प्रकार ग कर सकते हैं। अब आप फ लिखते हैं, क और फ में आपको क्या फर्क है वह देखना है। तो यहाँ आपने यूं लिटी की, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, वीडियो अवश्य देखिएगा। तो यहाँ गोल निशानी करने के बाद यहाँ ऊपर चिपकाना है, तो इस प्रकार आप फ अच्छा लिख सकते हैं। तो क और फ में यह फर्क है, यह अभी से ध्यान दीजिएगा। जो अक्षरों में आपको जो समस्या होती है, मेरे अनुभव के आधार पर सभी अक्षर ने, लेकिन मुश्किल भरे अक्षर जो है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप ध और घ में फर्क कर देते हैं। ध में आपको ऐसे लिखना है, बराबर, यहाँ ध इस प्रकार होगा, और घ आप घर लिखते हैं, घ इस प्रकार लिखना है। यह हमेशा कई बार दसवीं के स्टूडेंट भी ध और घ में फेर करते हैं। तो आपको गोल करना आना चाहिए। यदि गोल आपको करना आता है तो हिंदी लिखने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं होगा। अब आपको यह लिखना है, तो यह और प एक जैसा लिख दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। यह में ऐसे गोल किया, फिर ऐसे ले गए, यहाँ थोड़ी सी चोंच बना देने की है, यह हो जाएगा। और प लिखना है तो सीधा प हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो यह हुआ, ये प हुआ, उसका खास आपको ध्यान देना है। उसके बाद कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको प को य बना देते हैं, तो वह पढ़ने में नहीं आएगा, यह ध्यान रखना है। आपको र लिखना है, तो र लिखना भी आसान है, इस प्रकार आप र लिख सकते हैं। अब ल लिखने में क्या है यह प्रॉब्लम, आप गोल कीजिए, इतना गोल किया, उसके बाद सीधी लिटी खींच दीजिए, यहाँ इस प्रकार कीजिए, तो आपका ल भी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को शब्द लिखने में आपको जो तकलीफ होती है उसके बारे में अलग अलग जो वीडियो है उसमें चर्चा की जाएगी, करता रहूँगा। आप अच्छी तरह से हिंदी लिखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े, क्योंकि अक्षर सुधारने जरूरी है। सुंदर अक्षर जो होते हैं वह आपको अधिक मार्क्स देते हैं, आपकी प्रतिभा को भी अच्छी तरह से दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो से मैं अनुमति लेता हूँ। अगले वीडियो में चित्र कथा एक का भाग दो और अन्य महत्वपूर्ण अक्षर की जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।